Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is Hardeep Singh Thakur और आज हम बात करने वाले हैं सोलो मॉडल की। सोलो मॉडल के पार्ट वन की हम बात करेंगे, इसके बाद हम करेंगे पार्ट टू। इससे पहले जो हमने किया था वो किया था हैरड मॉडल, और हैरड मॉडल में हमने बात करी थी नेचुरल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट की, जिसे हमने नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहा था। नाइफ एज इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था कि अगर आप एक बार इक्विलिब्रियम से डाइवर्ट हो गए तो वापस आप इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे हैरड-ओमर मॉडल का मेन क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि इन्होंने कैपिटल लेबर को कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लिया था, यानी इन्होंने कहा था कि अगर आप कैपिटल और लेबर का रेशियो चेंज करते हैं तो आप इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएंगे। ओके, वहीं पे सोलो ने हमें कहा कि कैपिटल और लेबर का रेशियो आप चेंज कर लीजिए, आप फिर भी इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा हो गया कि कैपिटल ज्यादा हो गई और लेबर कम हो गई, तब भी आप वापस इन्हें कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट पे ला सकते हैं, या फिर ऐसा हो गया कि कैपिटल कम होगी और लेबर ज्यादा हो गई, तब भी आप इसे वापस कांस्टेंट पे ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हैरड के केस में नहीं था, क्योंकि हैरड ने कहा कैपिटल और लेबर एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं किए जा सकते। सोलो ने कहा कि कैपिटल और लेबर एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सोलो मॉडल की बात। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको हैरड और सोलो के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पे जब हम सोलो मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनकी अजम्पशन पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोलो मॉडल में बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो इसकी अजम्पशन से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अजम्पशन पे ध्यान देके रखिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहली अजम्पशन की बात करें तो प्राइजेस, वेजेस एंड इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने फ्लेक्सिबल मानी थी। ठीक है, यानी कि प्राइजेस भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, वेजेस भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, और जब प्राइजेस एंड वेजेस फ्लेक्सिबल रहते हैं तो इक्विलिब्रियम पे आना आसान रहता है। ओके, सेकेंड चीज इन्होंने मानी थी लेबर और कैपिटल जो है वो सब्स्टिट्यूटेबल हैं ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जबकि हैरड के केस में ऐसा नहीं था। तो आप नोट करते चलिएगा कि हैरड और सोलो के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तीसरी अजम्पशन जो थी वो थी कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारा वो होमोजीनियस है फर्स्ट डिग्री, और इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि सोलो ने जो प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया वो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया। अब कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, अगर आपने कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा हुआ है, कि ये जो ऊपर वाली पावर है ये हमें क्या बताती है कि हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल आएगा या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आएगा या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आएगा। अगर इन दोनों पावर को हम ऐड करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, इससे ये कट गया, ये वन आ रहा है। और अगर इस पावर को ऐड करने पे वन आता है तो इसका मतलब है ये कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देगा। ठीक है, अगर इसको ग्रेटर देन वन आता तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देता, अगर लेस देन वन आता तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देता। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज इन्होंने बताई कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर हम कैपिटल और लेबर दोनों इनपुट को एक कॉन्स्टेंट से, सेम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि यहाँ पे हम अगर मान लीजिए टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये आउटपुट फंक्शन है ये भी यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू में a आ गया, ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे t की पावर अल्फा k की पावर अल्फा, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे t की पावर 1 माइनस अल्फा l की पावर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे t की पावर अल्फा है, t की पावर 1 माइनस अल्फा है, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा a t की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, यहाँ आ गया k की पावर अल्फा l की पावर 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा से अल्फा गया तो ये आ गया y इज इक्वल टू में a t k अल्फा l की पावर 1 माइनस अल्फा, ये t आ जाएगा इस साइड तो हमारा फंक्शन हो जाएगा t a k की पावर अल्फा l की पावर 1 माइनस अल्फा। तो आप देख सकते हैं जब हमने इस प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल और लेबर को t से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा प्रोडक्शन फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हो गया, t से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली है, देखिए हैरड ने कहा था कि हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है, सोलो ने भी कहा हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है, लेकिन हैरड और सोलो के बीच में यहाँ पे एक डिफरेंस था। हैरड ने कहा था कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है, यानी कि अगर आप कैपिटल में चेंज कर रहे हैं तो उससे जो आउटपुट में चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी कि आपने मान लीजिए चार नई कैपिटल लगाई और उससे क्या हो गया, दो यूनिट आउटपुट बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। नेक्स्ट टाइम भी जब चार यूनिट कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट फिर दो से बढ़ जाएगा, उससे नेक्स्ट टाइम आप फिर दोबारा चार यूनिट से अगर कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट दो से बढ़ जाएगा। सोलो ने कहा ऐसा नहीं होता, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और लेबर है वो क्या होता चलता है, डिक्रीज होता चलता है। इसका क्या मतलब है कि आप अगर चार यूनिट से कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं और आपको दो यूनिट आउटपुट मिला, नेक्स्ट टाइम जब आप चार यूनिट से दोबारा कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो आपको आउटपुट वन यूनिट मिलेगा। तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो है वो कैपिटल की क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज होता है।
ठीक है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन से अगर हम मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालें, यानी कि डेल वाई अपॉन में डेल के निकालें, इसका मतलब है कि इस फंक्शन को हम के से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब अगर हम इसे के से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे हम के से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, ए, ये अल्फा आगे आ जाएगा, ठीक है, के की पावर अल्फा माइनस वन, एल की पावर वन माइनस अल्फा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, ये अल्फा हम बाहर ले आए, ए के की पावर अल्फा, ये माइनस वन अलग से लेते हैं, के की पावर माइनस वन, एल की पावर वन माइनस अल्फा, ये के की पावर माइनस वन है, ये नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अल्फा ए के की पावर अल्फा, एल की पावर वन माइनस अल्फा बटे में के, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ये वही प्रोडक्शन फंक्शन है सेम टू सेम, तो ये क्या आ गया, अल्फा वाई अपॉन में के। तो हम कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा वाई अपॉन में के। और हमें पता है जैसे जैसे हम कैपिटल इंक्रीज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कम होती चलेगी। तो हम कह सकते हैं जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, यानी कि कैपिटल इंक्रीज होगा, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल घटता चलेगा। सेम ही केस होगा लेबर के केस में। तो यहां से हमें यह बात पता चल गई कि हैरेड डोमर ने कहा था कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट रहता है, सोलो ने कहा था कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता चलेगा, यानी कि अगर आप सिर्फ कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न देगा, सिर्फ लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न देगा, और कैपिटल और लेबर दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्स्टेंट अमाउंट से, तो वो आउटपुट जो है वो भी कॉन्स्टेंट अमाउंट से बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको अजम्पशन पता लग गई, इस अजम्पशन को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। अब दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी बात की गई है, कंज्यूमर फंक्शन की, कंजम्पशन फंक्शन की बात हमने यहाँ पे नहीं की है। तो ये जो सोलो मॉडल है ये सप्लाई साइड की बात करता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये प्राइजेस वेजेस इन सबको क्या मान रहा है, फ्लेक्सिबल मान रहा है। अगर आपको याद हो तो यही सब अजम्पशन हम क्लासिकल में भी यूज करते हैं, क्लासिकल भी सप्लाई साइड की बात करते हैं, क्लासिकल भी प्राइजेस एंड वेजेस को क्या मानते हैं, फ्लेक्सिबल मानते हैं। इसी वजह से हम सोलो मॉडल को नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ क्लासिकल की अजम्पशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तीन अजम्पशन होगी हमारी, फोर्थ अजम्पशन इसकी है कि लेबर और कैपिटल जो है उनको उनकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पे किया जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट अजम्पशन नहीं है, मेन चीज इसमें जानने वाली है कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी लेबर की और कैपिटल की डिक्रीज होती चलती है जैसे जैसे हम लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे, ठीक है, मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इस केस में क्या होता चलेगा, डिक्रीज होता चलेगा। नेक्स्ट अजम्पशन देखें हम, लेबर फोर्स जो है वो एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड है, यानी कि लेबर फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है, एन रेट से बढ़ रही है, प्रोडक्शन फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वो एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ेगी, एन रेट से बढ़ेगी। लेबर फोर्स का मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन, तो सोलो ने कहा था पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट अमाउंट से, एन रेट से बढ़ रही है। इसके बाद सोलो ने कहा था कि सेविंग जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है, यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, देखिए सेविंग जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है, तो यानी कि सेविंग अपॉन में इनकम, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, स्मॉल एस, ठीक है, ये वाई से डिवाइड हो जाएगा तो ये स्मॉल एस आ जाएगा। इसी तरह अगर एस इज इक्वल टू में स्मॉल एस वाई है तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, डेल एस अपॉन में डेल वाई। अब इसको हम वाई से डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी सेव एक दूसरे के इक्वल होता है, और ये चीज याद रखिएगा सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट के। तो ये सब थी सोलो मॉडल की अजम्पशंस। अब ये सोलो मॉडल कहना क्या चाहता था, देखिए सोलो मॉडल का मानना था कि जो कैपिटल और लेबर है इनका ग्रोथ में हाथ होता है, ठीक है, कैपिटल और लेबर ग्रोथ में हेल्प करते हैं लेकिन एक लिमिट तक करते हैं, एक लिमिट यानी कि स्टडी स्टेट पॉइंट तक करते हैं। स्टडी स्टेट पॉइंट जब आ गया तो हमारा आउटपुट पर कैपिटा जो हमारे सोलो ने यूज किया था वो आउटपुट पर कैपिटा वर्ड यूज किया था, यानी कि वाई अपॉन में एल, आउटपुट पर कैपिटा की ग्रोथ एक टाइम के बाद होनी बंद हो जाती है। स्टडी स्टेट पॉइंट पे आके आउटपुट पर कैपिटा जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि ग्रोथ रेट रुक जाती है। अगर ग्रोथ रेट बढ़ानी है तो हमें इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, ये ए क्या है हमारा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होता है, ठीक है, अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। कैपिटल और लेबर को बढ़ाएंगे ग्रोथ रेट बढ़ेगी लेकिन एक स्टडी पॉइंट पे आके रुक जाएगी, उसके बाद अगर आपको ग्रोथ रेट बढ़ानी है तो टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा। इसे सोलो ने सोलो रेजिडुअल भी कहा था। रेजिडुअल क्यों कहा था, क्योंकि जो मेन फैक्टर है कैपिटल और लेबर उनका ग्रोथ में हाथ होता है कुछ एक पॉइंट के बाद, मेन ग्रोथ में हाथ उसके बाद किसका होता है, इस फैक्टर का। और ये कौन सा फैक्टर है, मेन फैक्टर तो कैपिटल और लेबर रह गए, उसके अलावा ये जो बच गया ये रेजिडुअल फैक्टर माना था उन्होंने, तो इसे हम सोलो रेजिडुअल कहते हैं। इसे ही हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, क्यों,
क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो कैपिटल और लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि आप सेम कैपिटल और सेम लेबर से आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, इसीलिए हम इसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। तो कभी आपसे सोलो रेसिडुअल पूछा जाए तो वो एक ही बात कर रहा है, या फिर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पूछा जाए तब भी वो एक ही बात कर रहा है। अब हम इस प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये अजम्पशन हमने करी। अब इन अजम्पशन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मानी थी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर और कैपिटल की डिक्रीज होती रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कैपिटल को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हर बार आपको आउटपुट पहले से कम मिलेगा। मान लीजिए इस बार 4 यूनिट से आपको 2 यूनिट आउटपुट मिल रहा था, अगली बार 4 यूनिट कैपिटल लगाने से आपको 1 यूनिट आउटपुट ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल आउटपुट रेशो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। पहली बार 2 यूनिट आउटपुट के लिए आपको 4 यूनिट कैपिटल लगानी पड़ी, दूसरी बार आपको 4 यूनिट कैपिटल से सिर्फ 1 यूनिट आउटपुट मिल रहा है, यानी कि अगर आपको 2 यूनिट आउटपुट लगाना है तो आपको 8 यूनिट कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता चलता है, इंक्रीज होता चलता है। अगर हम कैपिटल आउटपुट रेशो को थीटा से डिनोट करें तो हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू बढ़ती चलेगी जैसे कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन हैरड ने क्या कहा था? हैरड ने ग्रोथ किसके इक्वल मानी थी? सेविंग अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। उन्होंने कहा था ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सोलो ने क्या कहा? कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ता चलेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए हम इतनी कैपिटल पे इतना आउटपुट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये कैपिटल है, ये आउटपुट है, हमने आउटपुट इंक्रीज किया, साथ में कैपिटल इंक्रीज हुई, ठीक है, कैपिटल के इंक्रीज होने से आउटपुट इंक्रीज होगा। अब अगर हमें सेम यूनिट ऑफ आउटपुट द्वारा बढ़ाना है तो हमें कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। पहले इतनी सी कैपिटल बढ़ाने से हमें इतना आउटपुट मिला था, फिर उससे ज्यादा कैपिटल बढ़ाने से हमें उतना आउटपुट मिला, द्वारा हमें सेम यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाना है तो और ज्यादा कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल घटती जा रही है, डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है सोलो के केस में वो ऐसा होता है, इसका स्लोप जो है वो घटता चलता है। तो हम कह सकते हैं हैरड डोमन मॉडल के केस में कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या था? कॉन्स्टेंट था। सोलो मॉडल के केस में कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? इंक्रीज होता है। और इंक्रीज क्यों होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। जो हम कैपिटल बढ़ा रहे हैं वो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न दे रहा है। तो ये हमें दूसरी चीज पता लगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैपिटल और लेबर बढ़ाने से एक टाइम तक हमें ग्रोथ मिलती है जब तक हम स्टडी स्टेट पे नहीं पहुंच जाते, और जैसे ही हम स्टडी स्टेट में पहुंचेंगे हमारा आउटपुट पर कैपिटा जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल लेबर रेशियो स्टडी स्टेट पे पहुंच के कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, क्योंकि हमारा आउटपुट पर कैपिटा कॉन्स्टेंट हो गया, अब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब अगर हमें ग्रोथ करनी है हमें टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करें। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ के एल। अब हमें पता है कि सोलो ने क्या यूज किया था? पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया था, यानी y अपॉन में l। तो हम इसे y अपॉन में l की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। हमें पता है ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कि अगर कैपिटल को और लेबर को हम एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा प्रोडक्शन फंक्शन भी उस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर हम इस t को 1 अपॉन में l मान लें तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में l इधर भी आ गया, k अपॉन में l इधर आ गया और l अपॉन l आ गया, ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा y अपॉन में l। तो y अपॉन में l इज इक्वल टू a फंक्शन ऑफ k अपॉन में l इनटू 1। ये y अपॉन में l यानी कि आउटपुट पर कैपिटा को हम स्मॉल y से डिनोट कर लेते हैं, ये कैपिटल पर कैपिटा या कैपिटल पर हेड को हम स्मॉल k से डिनोट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? स्मॉल y इज इक्वल टू a फंक्शन ऑफ स्मॉल k, यानी कि आउटपुट पर कैपिटा इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर कैपिटा, या फिर कह लीजिए आउटपुट पर हेड इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर हेड। अब अगर हम डायग्राम की फॉर्म में इसे देखें तो जैसे जैसे कैपिटल लेबर रेशियो इंक्रीज हो रहा है या फिर कैपिटल पर हेड इंक्रीज हो रहा है वैसे ही आउटपुट पर हेड भी हमारा इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीजिंग रेट से। अब हमारी क्योंकि इनकम बढ़ रही है या फिर आउटपुट पर हेड बढ़ रहा है तो इसका मतलब है हमारी सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि सेविंग क्या है? फंक्शन ऑफ इनकम है। यहाँ पे हमारा इनकम या फिर कह लीजिए आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारी सेविंग भी बढ़ेगी। तो इसी तरह हमारी ये सेविंग कर्व आ गई। अब ये सेविंग कर्व आउटपुट या फिर कह लीजिए इनकम कर्व से नीचे क्यों है? क्योंकि सेविंग हमेशा इनकम से कम होती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कंज्यूम भी करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि लेबर कॉन्स्टेंट है। ओके, लेबर हमारी कॉन्स्टेंट है, तो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा हमारा आउटपुट या कह लीजिए इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल कितनी इंक्रीज हो रही है? चेंज इन कैपिटल कितना होगा? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि जरूरी थोड़ी है आप 40 रुपए लगा रहे हैं वो सारे के सारे कैपिटल में लगेंगे, कुछ तो डेप्रिसिएशन जो हमारी कैपिटल हुई है उसमें भी खर्चा होगा, ठीक है। तो 40 में से 20 खर्चा हो गया मान लीजिए डेप्रिसिएशन में, तो 20 रुपीज ही हमारे नई कैपिटल में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन कैपिटल किसके इक्वल होगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमने एस वाई क्यों लिखा है? क्योंकि सेविंग ही हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है।
माइनस में डेल के, डेल के क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, ये डेल क्या बताता है हमारा डेप्रिसिएशन रेट, मान लीजिए 20% जो है हमारी कैपिटल वो डेप्रिशिएट होती है तो ये क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन रेट 0.2। तो अगर हमारे पास 100 यूनिट कैपिटल है तो हर साल क्या होगा उसका 20% यानी कि 20 यूनिट ऑफ कैपिटल डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो ये कॉन्स्टेंट अमाउंट से बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट लगाएं तो ये आएगा हमारा डेप्रिसिएशन रेट, ये कॉन्स्टेंट अमाउंट से बढ़ रहा है। अब अगर आप इस एरिया को देखें, ये होगी हमारी इन्वेस्टमेंट लाइन, क्योंकि ये सेविंग है तो सेविंग ही इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो इसमें हम किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है डेप्रिसिएशन कम है, ठीक है। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, अब इस पॉइंट पे क्या था इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी डेप्रिसिएशन कम थी, हम कैपिटल को इंक्रीज करते चलेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशो कम है, कैपिटल को हम यहाँ पे इंक्रीज करते चलते हैं, लेबर तो कांस्टेंट मानी है हमने अभी, कैपिटल को इंक्रीज करते चलेंगे। तो एक पॉइंट जब आएगा जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और इस पॉइंट पे क्या है इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन एक दूसरे के इक्वल है, और जब इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो डेल के किसके इक्वल हो जाएगा जीरो। तो इस पॉइंट पे आके कैपिटल जो है हमारी वो कांस्टेंट हो जाती है, या फिर कह लीजिए कैपिटल पर हेड क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टडी स्टेट सोलो ने कही थी वो स्टेट होती है जहां पे हमारा कैपिटल पर हेड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम इस साइड से हैं तो हम इवेंचुअली इस पॉइंट पे आ ही जाएंगे। अब अगर मान लीजिए हम राइट हैंड साइड पे होते तो इस साइड आप देख लेते हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी इस पॉइंट पे है तो हमारा डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा है जबकि इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम क्या करते हैं कैपिटल को कम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कैपिटल पर हेड ज्यादा है, ठीक है। अब हम क्योंकि कैपिटल ज्यादा होगा तो कैपिटल की प्रोपोर्शन ही है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कैपिटल को कम करने की कोशिश करेंगे, तो इवेंचुअली हम फिर दोबारा इस पॉइंट पर आ जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा के पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो हमारा स्टडी स्टेट पॉइंट है, ठीक है। ये स्टडी स्टेट कैपिटल पॉइंट है, हर कैपिटल पॉइंट स्टडी स्टेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी डेप्रिसिएशन कम थी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज्यादा थी इन्वेस्टमेंट कम थी, ये अकेला पॉइंट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे कैपिटल पर हेड कांस्टेंट होता है, और हमें पता है आउटपुट पर हेड किसका फंक्शन है कैपिटल पर हेड का, तो आउटपुट पर हेड भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट पर हेड यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसकी ग्रोथ यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, जब कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी स्टेट में क्या होता है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर हेड क्या होगी जीरो होगी, ठीक है। स्टडी स्टेट में आउटपुट पर हेड ग्रोथ जो होती है वो जीरो होती है। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्टडी स्टेट क्या है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताता है इकोनॉमी का, और इसका क्या मतलब होता है सोलो ने कहा ये मैटर नहीं करता कि हम किस लेवल ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी इवेंचुअली कहां पे एंड होगी स्टडी स्टेट लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुंच ही जाएगी। हैरड के केस में क्या था हम स्टडी स्टेट पे पहुंच नहीं सकते, ठीक है। अगर इकोनॉमी में कैपिटल लेबर रेशो, जैसे यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशो कम था, ये इक्विलिब्रियम कैपिटल लेबर रेशो है, ये कम कैपिटल लेबर रेशो है और ये ज्यादा कैपिटल लेबर रेशो है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम से कम आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम से ज्यादा पे होते हैं, तो हम इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएंगे फिर द्वारा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कैपिटल पर हेड पे आ ही जाएगी, चाहे आप कहीं से स्टार्ट करें, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें। अब देखिए यहाँ पे हमने लेबर को कांस्टेंट माना था, अब हम मान लेते हैं कि लेबर एन रेट से इंक्रीज हो रही है, जो कि हमें सोलो ने बताया भी था। तो अगर लेबर एन रेट से इंक्रीज हो रही है, स्टडी स्टेट पे क्या है कैपिटल कांस्टेंट है, कैपिटल सिर्फ उतनी बढ़ रही है जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, कैपिटल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बढ़ रही। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ हमारी लेबर एन रेट से बढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। अब अगर कैपिटल लेबर रेशो यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, या फिर कैपिटल पर हेड यहाँ पे हमने कांस्टेंट लाना है या स्टडी स्टेट पे लाना है, तो हमें कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेबर एल रेट से बढ़ रही है तो उस लेबर को, जो नई लेबर हमारी लग रही है, उन्हें कैपिटल प्रोवाइड तो करानी पड़ेगी, तो हमारा कैपिटल भी एन रेट से बढ़ेगा। तो सोलो ने एक इक्वेशन दी थी, देखिए चेंज इन कैपिटल क्या होता है इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू में, ये डेप्रिसिएशन उस साइड चला जाएगा, चेंज इन कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस डेल के को अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें, के से डिवाइड कर दें, तो ये टर्म क्या आ जाती है, ये टर्म आ जाती है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल मैंने आपको क्या बताया एन रेट से ही हमें कैपिटल को ग्रो करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा एस वाई इज इक्वल टू में के एन प्लस डेल के, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए कि वो डेप्रिसिएशन को भी कवर कर ले और जो लेबर ग्रोथ हो रही है उसको भी कवर कर ले, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, ये के हम ले लेंगे तो एस वाई इजिकल टू में एन प्लस डेल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है आउटपुट भी पर हेड की फॉर्म में लिया था सोलो ने और कैपिटल भी पर हेड की फॉर्म में ली थी, तो हम दोनों तरफ एल से डिवाइड करेंगे और दोनों तरफ एल से डिवाइड करने पर ये क्या बन जाएगा स्मॉल वाई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा स्मॉल के बन जाएगा।
तो ये जो इक्वेशन थी ये फंडामेंटल इक्वेशन थी सोलो की। सोलो का क्या कहना था कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी है तो इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रो होनी चाहिए कि वो जो बढ़ी हुई लेबर है उसको भी कवर कर ले और जो डेप्रिसिएशन रेट है उसको भी कवर कर ले, तब हम स्टडी स्टेट पे रहेंगे। और स्टडी स्टेट पे रहने का मतलब है कि यहाँ पे कैपिटल पर हेड क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और आउटपुट पर हेड किसका फंक्शन है, कैपिटल पर हेड का फंक्शन है। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट पर हेड इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर हेड, तो यहाँ पे आउटपुट पर हेड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम कैपिटल किस रेट से ग्रो करनी चाहिए, इस रेट से ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, ताकि स्टडी स्टेट पे कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग एट सेम रेट एज लेबर फोर्स या फिर कह लीजिए पॉपुलेशन। सो अबव इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि फॉर स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट, स्टडी स्टेट ग्रोथ रेट के लिए कैपिटल पर वर्कर और इनकम पर कैपिटा कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे कैपिटल पर वर्कर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा स्टडी स्टेट पे, और यहाँ पे इनकम पर कैपिटा या फिर कह लीजिए आउटपुट पर कैपिटा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इवन दो पॉपुलेशन और लेबर फोर्स क्या है, ग्रो कर रही है। जबकि पॉपुलेशन और लेबर फोर्स क्या है, ग्रो कर रही है। तो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर क्या है, एन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट ऑफ एल, डेल एल अपॉन में एल, यानी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर क्या है, एन है। तो ग्रोथ ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। और आउटपुट क्या है, फंक्शन ऑफ कैपिटल अपॉन में लेबर, तो ये भी कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा। मैंने आपको बताया था अगर लेबर और कैपिटल दोनों कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हैं तो आउटपुट भी कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा। पर हमने क्या निकालना होता है, सोलो ने निकालना होता है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर हेड, ठीक है, आउटपुट पर हेड। और मैंने आपको बताया था जब हमारी रेशो में दिए हो और हमने उसकी ग्रोथ निकालनी हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट माइनस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशो में है। ये हैरड के केस में भी मैंने आपको समझाया था, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट को हम कैसे लिखेंगे, डेल वाई अपॉन में वाई माइनस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को कैसे लिखेंगे हम, डेल एल अपॉन में एल। ये दोनों सेम रेट से ग्रो कर रहे हैं एन से, तो एन माइनस एन क्या आ जाएगा, जीरो। तो आउटपुट पर हेड यहाँ पे कैसे ग्रो कर रहा है, जीरो ग्रो कर रहा है। यहाँ ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर हेड क्या है, जीरो है, क्योंकि आउटपुट पर हेड हमारा यहाँ पे आके कॉन्स्टेंट हो जाता है, वो अब ग्रो करना बंद हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लेबर और कैपिटल जब एक कॉन्स्टेंट अमाउंट से ग्रो कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी ग्रो करेगा। अब क्योंकि लेबर भी ग्रो कर रही है और आउटपुट भी सेम मात्रा में ग्रो कर रहा है तो आउटपुट पर हेड हमारा ग्रो करना यहाँ पे बंद हो जाता है। अगर इकोनॉमी में हमें आउटपुट पर हेड को ग्रो कराना है तो हमें टेक्नोलॉजी को ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेबर और कैपिटल को चेक कर लिया। अब एक और चीज यहाँ पे चेक करने वाली है, मान लीजिए सेविंग रेट इकोनॉमी में चेंज हो जाती है, ये हमारी पहले सेविंग रेट थी, अब इकोनॉमी में सेविंग रेट अगर चेंज हो जाए तब क्या होगा। देखिए सेविंग रेट चेंज होने से क्या हुआ, हमारे पास इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आया। तो इसका मतलब है जैसे ही सेविंग रेट चेंज होती है हमारा कैपिटल पर हेड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कैपिटल पर हेड इंक्रीज होने से हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट पर हेड भी इंक्रीज हो जाता है। पहले आउटपुट पर हेड इतना था, अब आउटपुट पर हेड क्या है, इतना है। लेकिन हैं तो हम स्टडी पॉइंट पे ही हैं, तो हम स्टडी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे भी कैपिटल पर हेड इवेंचुअली आके क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और आउटपुट पर हेड भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर हेड यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर हेड क्या है, जीरो है। तो सेविंग रेट इंक्रीज होने से शॉर्ट टर्म में तो फायदा होता है, शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट पर हेड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कैपिटल पर हेड भी इंक्रीज हो गया। लेकिन इकोनॉमी क्या है, स्टडी पॉइंट पे आ जाती है, तो स्टडी पॉइंट पे क्या होता है, ग्रोथ रेट रुक जाती है। आउटपुट पर हेड इंक्रीज हो गया और कैपिटल पर हेड भी इंक्रीज हो गया, लेकिन ग्रोथ रेट इवेंचुअली क्या हो जाएगी, रुक जाएगी स्टडी पॉइंट पे। स्टडी पॉइंट पे क्योंकि क्या होता है, कैपिटल लेबर रेशो कांस्टेंट होता है और आउटपुट लेबर रेशो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सेविंग रेट इकोनॉमी में बढ़ा दें तो हमारा शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है उसका, शॉर्ट टर्म में उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे हम द्वारा इवेंचुअली क्या आ जाएंगे, ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक डिफरेंस था, हैरड ने हमें क्या कहा था, ग्रोथ रेट किसके इक्वल होती है, सेविंग अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी हैरड का कहना था सेविंग बढ़ाते चलो ग्रोथ बढ़ जाएगी, लेकिन सोलो ने कहा था कि सेविंग बढ़ाएंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी पर शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में सेविंग रेट ये है और चाइना में सेविंग रेट ये है, ठीक है, तो किसमें ग्रोथ रेट ज्यादा हो रही होगी, देखिए ग्रोथ रेट इसमें भी जीरो होगी, इसमें भी जीरो होगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं चाइना की जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन इंडिया की जीडीपी कैपिटा कम होगी। जिस कंट्री की सेविंग ज्यादा होगी उस कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगी, ओके, या फिर कह लीजिए आउटपुट पर कैपिटा यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन इंडिया के केस में आउटपुट पर कैपिटा क्या है, कम होगा, क्योंकि इंडिया में
सेविंग कम है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंक्रीज इन सेविंग रेट मींस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही सेविंग रेट बढ़ेगी इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, विच विल कॉज राइज इन कैपिटल स्टॉक, और जिसकी वजह से कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, और कैपिटल स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो यहाँ पे बढ़ गया। सो सेविंग रेट इन सोलो मॉडल डिटरमाइंड स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक। सेविंग रेट क्या है सोलो के केस में, स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक बताती है। सो जो कंट्री हायर सेविंग रेट वाली होगी उनका हायर कैपिटल स्टॉक होगा, उसकी जीडीपी हायर होगी एज कम्पेयर टू द कंट्री विच हैज कंपेरेटिवली लेस सेविंग रेट। जिस कंट्री की सेविंग रेट ज्यादा है उसकी जीडीपी ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है। जिस कंट्री की सेविंग रेट कम है उसकी जीडीपी कम है, कैपिटल कम है। हाउएवर इन सोलो मॉडल सेविंग रेट कॉज ग्रोथ इन द इकोनॉमी फॉर टेम्परेरी पीरियड। लेकिन सोलो ने क्या कहा था, ग्रोथ जो होगी वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होगी, जब तक इकोनॉमी स्टडी स्टेट अचीव नहीं कर पाती। जैसे ही वो दोबारा स्टडी स्टेट पे आ गई, ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी जीडीपी पर कैपिटा की, जीरो हो जाएगी। तो हमें पता लग गया सेविंग का इफेक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा। यहाँ पे सोलो ने एक और बात कही थी कि अगर डिफरेंट कंट्री की सेम सेविंग रेट है, सेम पॉपुलेशन ग्रोथ है और उनके पास सेम टेक्नोलॉजी है, तो अल्टीमेटली वो सब क्या आ जाते हैं, सेम पर कैपिटा इनकम पे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सेविंग रेट सेम है और टेक्नोलॉजी सेम है, सेम कैपिटल है आपके पास, सेम लेबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इवेंचुअली हम क्या करेंगे, कंट्री कन्वर्ज कर जाएंगी, यानी कि सेम स्टडी स्टेट पे आ जाएंगी। यानी कि अगर हमारी सेविंग रेट उतनी हो जाए जितनी यूएसए की है, तो इवेंचुअली हमारी जीडीपी उतनी हो जाएगी जितनी यूएसए की है। तो अगर हमारी सेविंग रेट, पॉपुलेशन रेट और टेक्नोलॉजी यूएसए के बराबर आ जाती है, तो इवेंचुअली हम यूएसए की इकोनॉमी के इक्वल कन्वर्ज कर जाएंगे, ये सोलो का मानना था। अब नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं, ये हमारी पॉपुलेशन थी, एक कांस्टेंट अमाउंट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट अमाउंट से ना बढ़ के एकदम उसमें सर्ज आ गया, यहाँ पे एन रेट था, यहाँ एन डैश हो गया, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है वहां पे क्या होता है, कैपिटल पर हेड कम हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर बढ़ गया, तो कैपिटल पर हेड क्या हो गया, कम हो गया। ओके, और कैपिटल पर हेड कम होने से हमारा आउटपुट पर हेड भी क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे आउटपुट पर हेड कितना था, इतना था, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट पर हेड कितना हो गया, इतना हो गया। तो कैपिटल कम होगी तो आउटपुट पर हेड भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैपिटल पर हेड क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पर कैपिटा आउटपुट कम हो जाता है, ये पर कैपिटा आउटपुट भी कम हो गया। दिस शोज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इंपीड ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। इससे हमें पता लगता है कि डेवलपिंग कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, जैसे कि इंडिया में, वो ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम को कम कर देती है। हमारी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पर कैपिटा आउटपुट या फिर कह सकते हैं कम हो जाता है। तो अब तक हमें क्या समझ में आया, अगर हम लेबर को और कैपिटल को इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट अमाउंट से, हमारा आउटपुट भी कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज करेगा। यानी कि डेल वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू में डेल के अपॉन में के इज इक्वल टू में डेल एल अपॉन में एल होगा, ठीक है, ये सब एन रेट से ग्रो करेंगे, पर आउटपुट पर हेड की ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करने का फायदा तब तक होता है जब तक हम स्टडी स्टेट पे नहीं पहुंचते, उसके बाद लेबर और कैपिटल का रोल खत्म हो गया। फिर उसके बाद जितनी ग्रोथ से लेबर और कैपिटल ग्रो कर रहे हैं उतने से ही हमारा आउटपुट ग्रो करेगा, पर आउटपुट पर हेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि सेविंग को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सेविंग से क्या होगा, हमारी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ जाएगी। जिस कंट्री की सेविंग ज्यादा है उस कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, उस कंट्री के पास कैपिटल पर कैपिटा ज्यादा है। लेकिन ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा क्या रह जाएगी, फिर द्वारा जीरो ही रह जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली हम स्टडी स्टेट पे आ जाएंगे। उसी तरह अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज करें, पॉपुलेशन इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा जीडीपी पर कैपिटा कम हो जाएगा, कैपिटल पर कैपिटा कम हो जाएगा। और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ जाएगा, कैपिटल पर कैपिटा बढ़ जाएगा, लेकिन आउटपुट ग्रोथ रेट हमारी इवेंचुअली जीरो ही रहेगी। क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि हम रहेंगे स्टडी स्टेट पे ही, हम पहले ही स्टडी स्टेट पे थे, अब इस स्टडी स्टेट पे आ गए, तो ग्रोथ रेट तो वापस जीरो होगी, लेकिन हमारा साथ साथ में क्या हो गया, कैपिटल पर हेड कम हो गया और आउटपुट पर हेड कम हो गया। तो एक बार हम क्विक रीजन ले लेते हैं जो हमने पढ़ा उसकी। सबसे पहले हमने बात करी इसकी अजम्पशन की कि प्राइजेस वेजेस फ्लेक्सिबल होते हैं, साथ में इस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करी, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है ए है, के कैपिटल है, एल लेबर है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है, लेकिन कैपिटल और लेबर को अलग 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 बढ़ाएंगे तो हमारा मार्जिन प्रोडक्ट डिक्रीज होता चलेगा, ठीक है। वहां पे हैरड ने हमें बताया था कि कैपिटल आउटपुट रेशो कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे हमने कहा कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ता है। हैरड ने हमें कहा था मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, हमने कहा मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल डिक्रीज रहेगी। यहाँ पे हमने लेबर फोर्स को एन रेट से इंक्रीज किया था, सेविंग हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम माना था, यही हमने हैरड में भी माना था, और यहाँ पे भी हमने कहा था सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है।
इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम लेबर को कॉन्स्टेंट अमाउंट से बढ़ाते हैं तो हमारा कैपिटल भी कॉन्स्टेंट अमाउंट से बढ़ता है और आउटपुट भी कॉन्स्टेंट अमाउंट से बढ़ता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा निकालें तो किसके इक्वल होता है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी माइनस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी को हम लिखेंगे डेल वाई अपॉन में वाई माइनस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को लिखेंगे हम डेल एल अपॉन में एल। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों एन अमाउंट से बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली स्टडी स्टेट पे क्या हो जाता है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर हेड क्या है, जीरो है। ठीक है, इवेंचुअली ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर हेड हमारी जीरो हो जाती है। और सोलो ने कहा था आप चाहे इस कैपिटल पर हेड स्टार्ट करें चाहे इकोनॉमी इतने से स्टार्ट करें, इवेंचुअली हम स्टडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। हैरड ने कहा था हम स्टडी स्टेट पे नहीं पहुंच पाएंगे अगर एक बार हमारा कैपिटल लेबर रेशो चेंज हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमारी सेविंग रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है। हैरड ने कहा था कि सेविंग इंक्रीज करेंगे ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगी। सोलो ने कहा सेविंग इंक्रीज करने से शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ होगी लेकिन इवेंचुअली आप स्टडी स्टेट पे पहुंच जाएंगे और ग्रोथ रेट आपकी जो है, ग्रोथ रेट पर हेड जो है वो जीरो हो जाएगी। हाँ ये जरूर है, जिस कंट्री की सेविंग ज्यादा होती है उस कंट्री की जीडीपी पर हेड ज्यादा होती है और उस कंट्री का कैपिटल पर हेड ज्यादा होता है, और जिस कंट्री की सेविंग रेट कम होती है उसकी जीडीपी पर हेड भी कम होती है और उसका कैपिटल पर हेड भी कम होता है। फिर उसके बाद हमने पॉपुलेशन को चेक किया कि अगर हम पॉपुलेशन को बढ़ा दें तब क्या होता है। पॉपुलेशन बढ़ने से भी क्या होगा, कैपिटल पर हेड कम हो जाता है, और पहले जीडीपी पर हेड ज्यादा था, अब पॉपुलेशन बढ़ने से जीडीपी पर हेड भी कम हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का भी कोई फायदा नहीं है, इवेंचुअली हम स्टडी स्टेट पे ही रहते हैं और स्टडी स्टेट पे ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर हेड या फिर कह लीजिए इनकम पर हेड क्या रहती है, जीरो रहती है। ग्रोथ रेट इसकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हो जाती है। तो ये सब था सोलो मॉडल के बारे में। यहाँ पे अभी हमने टेक्नोलॉजी को स्टडी नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर हेड या फिर कह लीजिए इनकम पर हेड या फिर कह लीजिए आउटपुट पर हेड जो है वो इंक्रीज होती है। तो कैसे टेक्नोलॉजी का मेन रोल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या हुआ था और हम फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन सोल्व करेंगे कुछ सोलो मॉडल के ऊपर, और फिर हमारा सोलो मॉडल खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।